इंदौर के होलकर के साइंस कॉलेज के छात्र छात्राओं की डांस पार्टी की कुछ विवादित तस्वीरें और वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये फ्रेशर्स पार्टी के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कॉलेज प्रबंधन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। वीडियो में कॉलेज की लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज के ही लड़कों के साथ नाच रही हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद छात्र नेता की शिकायत पर कॉलेज प्रशासन ने वीडियो में नजर आ रहे कॉलेज के छात्र छात्राओं को नोटिस जारी किया है। मामला पुलिस तक भी पहुंचा है। होलकर साइंस कॉलेज के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ने गुरुवार को एक पब में फ्रेशर पार्टी की। कई स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं आए, जबकि कॉलेज में ऑफलाइन क्लास चल रही है। NSUI से जुड़े एक छात्र ने एक दिन पहले ही बुधवार को इसकी शिकायत की थी। बताया था कि स्टूडेंट्स इस तरह की पार्टी करने वाले हैं। गुरुवार को जब कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज टाइम में एक पब में फ्रेशर पार्टी आयोजित की तो लिखित शिकायत के आधार पर ये नोटिस जारी किया गया। कॉलेज मैनेजमेंट के पास जो वीडियो आए हैं उसके आधार पर कॉलेज स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। फिलहाल ये जानकारी मिली है कि कॉलेज के करीब 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस पार्टी में शामिल हुए थे। इसके अलावा वहाँ अन्य लोग भी थे। पब के जो वीडियो सामने आए हैं इसमें कौन कौन स्टूडेंट हैं ये देखा जा रहा है। Yes. सर, होलकर कॉलेज के कुछ वीडियो सामने आए हैं छात्र छात्राओं के डांस करते हुए, फ्रेशर्स पार्टी बताई जा रही है, इसको लेकर सर क्या स्थिति है? क्या कॉलेज की तरफ से अनुमति नहीं मिली और अब कॉलेज क्या कार्रवाई करने जा रहा है इनके ऊपर? कॉलेज इस तरह की कोई भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं देता है और मुझे लिखित शिकायत प्राप्त हुई है एक नेता के द्वारा। उसमें 8 लोग अपराधी बताए गए हैं, उसमें से एक अभी वीडियो में देखा गया है तो उसको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और साथ में यह भी लिखा गया क्यों ना आपको TC दे दी जाए। उसके फादर को भी बुलाया गया है और वो जितेंद्र दांगी है, उसके साथ 7 अपराधी और आइडेंटिफाई हुए हैं जिसमें लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। उन सब के फॉर्म और वीडियो से चेक किया जा रहा है, वो लोग मौजूद थे गिनते, अगर वो मौजूद होंगे उन पर भी वही कार्रवाई की जाएगी जो डांगी भी की गई। मुझसे किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं ली गई है। मैंने जितेंद्र दांगी को फोन करके जब मेरे को लिखित शिकायत प्राप्त हुई तो मैंने 11 बजे उसको फोन करके बोला कि बेटा कोई पार्टी बना रहे हो, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हम तो यहीं कॉलेज में हैं और हम बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, मैंने कॉलेज कैंपस में नहीं होना चाहिए। बोले कॉलेज कैंपस में नहीं होगी। सर, ये जो वीडियो सामने आए हैं इसको लेकर जो शिकायत हुई, शिकायत में क्या कहा गया है, कुछ आपत्ति? भाई वीडियो तो अश्लील है, कोई भी माँ बहन बेटी के वीडियो इस तरह के नहीं आना चाहिए और कॉलेज में इस तरह की कोई घटना होगी इसको कॉलेज प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। बता दें कि कॉलेज ने स्पष्ट किया है चूंकि पार्टी कॉलेज परिसर में नहीं हुई इसलिए उन्होंने सीधा एक्शन नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह के वीडियो हैं उसके बाद ये कार्रवाई करना जरूरी था। इन वीडियो की पूरे शहर में चर्चा हो रही है। पंजाब केसरी के लिए इंदौर से सचिन बहरानी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।